હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્ય ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્ય ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ. થેન્ક યુ. હાય સ્ટુડન્ટ્સ. યસ યસ, પહેચાન ગયા ને સોહમ સર? હા. અબ દોસ્ત, આજ ક્યા મામલા હૈ, રુક જા, થોડા માઇક સેટ કર લેતે. હા, અબ આજ ચેપ્ટર ફોર 11th સાયન્સ ફિઝિક્સ, અપના ફિઝિક્સ, હા, ZIX, તેરા વો SICS વાલા નહીં, ફિઝિક્સ કા એક્સરસાઇઝ કે કુછ સમ્સ લેકે આયા આપકે લિયે. ઉસમે સબસે પહેલા લેતે આજ 8 નંબર કા, હે ના? चल आ जा दोस्त. क्या है, बहुत सिंपल स्टोरी है. थ्री गर्ल्स स्केटिंग ऑन अ सर्क्यूलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर. तीन कन्याएं, लड़कियां, गर्ल्स, स्केटिंग ऑन अ सर्क्यूलर आइस ग्राउंड जिसका रेडियस 200 मीटर है. ये रहा देख, आइस ग्राउंड दिख रहा है तेरे को, पूरा सर्क्यूलर. हाँ, इस आइस ग्राउंड पे स्केट कर रही है तीन लड़कियां. कौन कौन सी? ये रही ए, बी एंड सी. ओके, ठीक है. इसका रेडियस 200 मीटर है, ध्यान रखना भाई. अब मामला क्या है? तो मामला ये है कि दिस स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द एज ऑफ द ग्राउंड. ग्राउंड की किनारी पे इधर पॉइंट पी है, यहां से सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है. कहां तक जा रहे हैं वो लोग? एंड रीच एट पॉइंट क्यू डायमेट्रिकली अपोजिट. इस पी को डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट क्यू, ये रहा, यहां तक जा रही है सब. बट दे चूज द डिफरेंट पाथ. क्या? जो ए वाली गर्ल है, ए गर्ल, वो यहां से यूं घूम के जा रही है, ठीक है. जो सी है वो यहां से यूं घूम के जा रही है, इतना लंबा पाथ लेंथ ले रही है, ठीक है. और जो बी गर्ल है वो सीधा स्ट्रेट जा रही है. हाँ, तो ड्राइंग तो पूरा समझ में आया ना. अब क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच. सभी लड़कियों के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? तो लगा अपना दिमाग, बहुत इजी है भाई, सिंपल है. जो डिस्प्लेसमेंट है वो सबके लिए एक ही होता है. यहां से यहां पहुंचना है सबको, इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन को कनेक्ट कर दो, डिस्प्लेसमेंट. फिर कोई यूं घूम के आए, चाहे इधर से आए चाहे उधर से, है ना? यस यस. तो अपना जो पहला ही डिस्कशन बनता है वो ये रहा कि फॉर एवरी गर्ल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज पी क्यू. फॉर एवरी गर्ल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज पी क्यू. और उसका मैग्नीट्यूड पूछा है. हाँ, तो क्या होगा मैग्नीट्यूड? यहां से यहां तक डायमीटर होता है ना, तो डबल ऑफ रेडियस, तो 2 × 200, इट विल बी 400 मीटर. फाइनल आंसर. बोल, समझा कि नहीं समझा? इजी है, इसमें टाइम नहीं बिगड़ना ज्यादा. हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ स्केट. मतलब कौन सी लड़की के लिए, कौन सी कन्या के लिए पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है? ये बी, ये देखना है, ये यहीं से तो जा रही है, इसका पाथ भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है. तो लिख दे, फॉर गर्ल बी पाथ लेंथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड. पाथ लेंथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, इजी. फिर अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिख दे कि जो ये ए वाली गर्ल है ना, वो बहुत घूम घूम के जा रही है इधर, ये सी तो उससे भी ज्यादा घूम रही है. हाँ, तो फॉर ए एंड सी गर्ल्स, एक्चुअली पाथ लेंथ बड़ा है उनका डिस्प्लेसमेंट से. हाँ, तो पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट. ये अपनी तरफ से जोड़ दिया अपन ने, पूछा नहीं था क्वेश्चन में, जोड़ दिया. मजा आया ना? चल स्क्रीनशॉट ले ले, 1, 2 एंड 3. चल दोस्त, एक्सरसाइज का 9th सम देखते हैं. देखिए रहा भाई, माइक का वायर बीच में आता है, एक शायरी याद आ गया रे, बताऊं?
तेरी झील सी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है। वाह 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 वाह, तेरी झील सी आंखों में डूब जाने को जी चाहता है, पर चश्मेश तेरा चश्मा बीच में आता है। ठीक है, चल हो गया, ताली बजा दो, मजा आ जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। ये प्रिंट थोड़ा सा लाइट आया है ना, होता है, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं ना और डार्क कर रहा हूं, ज्यादा जरूरत है। एक साइक्लिस्ट यहां से स्टार्ट करता है, ओ से 1 किलोमीटर रेडियस का पार्क है, देखिए यहां से यूं घूमता है, ओ से पी गया, पी से क्यू, फिर क्यू से ओ, है ना। तो चलो क्या दिया है क्वेश्चन, और इसके लिए लेता है वो 10 मिनट का टाइम, तो टाइम टेकन इज 10 मिनट। एक्चुअली मिनट नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि पार्क का रेडियस 1 किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर के साथ तो आवर सेट होगा, तो एक काम कर इसको 60 से डिवाइड कर दे, ये हो गया आवर, तो 1/6 आवर, ये टाइम हो गया, है ना। ठीक है बबुआ, चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो बढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, तो पढ़ ले क्या लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, लिखा है नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट 0। तो क्या पढ़ा हूं इसमें, क्यों, क्योंकि वो भैया यहां से स्टार्ट किया साइक्लिस्ट, यहां से पी गया, पी से फिर क्यू गया, फिर क्यू से वापस ओ पे आया, मतलब इनिशियल एंड फाइनल बोथ पोजीशन आर इक्वल, ऐसा लिखना है तो लिख दे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और दोनों सेम है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल सेम है, दैट्स व्हाई इट इज 0। अब दूसरा क्वेश्चन का है, तो दूसरा क्वेश्चन ये है, यहां पे लेते हैं बी, हाँ क्या बोला है दूसरे क्वेश्चन में, यहां पे नहीं लेना, ये जगह तीसरे के लिए छोड़ते, बी यहां पे लेते हैं। देख एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी, अरे भैया एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला पता है, हाँ वही बस जो तू सोच रहा है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम 1/6, द आंसर इज 0। बोल क्या बोलता है, आया मजा, तो चल इसको कवर अप कर आंसर को, इसको भी कवर अप कर भैया। अब तीजा क्वेश्चन है वो थोड़ा धांसू है, धांसू तो कुछ नहीं, अब ये दोनों इजी इसलिए उसको हम धांसू कंपैरेटिवली बोलते हैं। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, पाथ लेंथ अपॉन टाइम, टाइम, हाँ पाथ लेंथ क्या है, पाथ लेंथ, पाथ लेंथ तो भैया थोड़ा देखना पड़ेगा, साइक्लिस्ट ने यहां से स्टार्ट किया था, पहले तो इतना गया ओपी, चल ओपी प्लस फिर पी से कहां गया क्यू, लेकिन जो पी क्यू ना वो आर्क बन रहा है देखियो, हाँ फिर क्यू से वापस कहां गया वो ओ, यस, और टाइम कितना लिया, टाइम, टाइम लिया 1/6। ठीक है अब इसको आराम से देख, शांति से, ओपी क्या है रेडियस है ना, तो 1 किलोमीटर, ये क्यू क्या है रेडियस, तो वो भी 1 किलोमीटर, तो दिक्कत कहां है, दिक्कत ये पी क्यू में है, पी क्यू एक्चुअली आर्क है ना ऐसा, ये तो आर्क के लिए कुछ आइडिया है, अबे पार्क में खड़ा है, आर्क पे बात कर रहे हैं, तो चल देख, ये तो राइम बन गया, आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, एंगल इनटू रेडियस, एंगल इनटू रेडियस, अभी एंगल कितना दिख रहा है 90, मतलब पाई बाई टू, और रेडियस क्या है 1, तो लिख दे पाई बाई टू इंटू 1। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, यहां आप गलती नहीं करना, ठीक है, ध्यान से सोचना, ये आर्क है, आर्क का फॉर्मूला था एंगल इंटू रेडियस, जानते हैं ना हम ये सब, आठवीं नौवीं में पढ़ चुके हैं। हाँ अब इसको सॉल्व करेंगे भैया, 1 + 1 हो गया 2, पाई को ले ले 22/7 अपॉन 2 1/6। अब ये सारा तू जुगाड़ लगाएगा ना कैलकुलेटर में, तो 150/7 आएगा, और उसको भी फिर आगे करेगा ना, तो 21.43 किलोमीटर पर आवर, ये आएगा एवरेज स्पीड। बोल दोस्त आया मजा, अरे आया ही होगा ना, सोहम सर ने पढ़ाया पूरे दिल से, इजी था, इसमें क्या है,
आपने थियरी अच्छे से पढ़ा हो ना, तो इस सब में आपको टीचर की जरूरत ही नहीं है, आप खुद कर सकते हो, इतना इजी है। ठीक है, चल दोस्त ले ले स्क्रीनशॉट, 1, 2 एंड 3। चल दोस्त एक्सरसाइज का 10th। अच्छा है ये दासू, ये टाइम टेकिंग है, टाइम भी लेगा बिल्कुल। ऑन एन ओपन ग्राउंड, जो क्वेश्चन थोड़ा लाइट दिख रहा है ना, डोंट वरी मैं पढ़ रहा हूं अच्छे से, टेक्स्ट बुक लेके बैठ भाई। हाँ, ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट, मतलब कार वार चलाने वाला भाई, हाँ, फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स इनटू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। इस सेंटेंस का मतलब पकड़ना पड़ेगा पहले, साइक्लिस्ट ओ मोटरिस्ट कैसे जा रहा है, एवरी 500 मीटर के बाद 60 डिग्री का एंगल लेफ्ट साइड में टर्न ले रहा है वो। हाँ तो देख सिंपल है, जैसे यहां पर है वो भाई, पहले इधर है, यहां से स्टार्ट किया, ये निकला इधर तक पहुंचा, मान ले इतने में उसका 500 मीटर ट्रैवल हो गया, तो अब यहां से है ना उसके लेफ्ट साइड में टर्न लेगा, यूं इधर जाएगा, जाना था उसको सीधा, लेकिन 500 मीटर खत्म होने पर उसको टर्न लेना है ना, तो ये टर्न ले लिया, और कितना डिग्री पे लिया, 60 डिग्री पे, दिख रहा है ऐसे। फिर यहां से वापस गया 500 मीटर तक इधर, फिर आ गया 500 मीटर पूरा, तो फिर आ गया एक टर्न, टर्न हो गया तो वापस इधर घूम जाएगा, यूं जाना था उसको ऐसे, तो एंगल कितना बना है 60 डिग्री है ना, फिर यहां पहुंचा तो फिर उसका 500 मीटर खत्म हो गया, तो फिर इधर जाना था, लेकिन यूं मुड़ जाएगा, मुड़ गया ना, हाँ समझ में आ रहा है पूरा, वेरी गुड, यहां 60 डिग्री बना है, फिर इतना 500 मीटर खत्म हो गया, फिर आगे बढ़ा, मुड़ गया, जाना था सीधा लेकिन जाएगा इधर, 60 डिग्री पे मुड़ के, हाँ 500 मीटर हो गया, फिर यहां पे टर्न मिला, तो अब सीधा नहीं जाएगा, अब टर्न हो जाएगा लेफ्ट साइड में, हाँ 500 मीटर 60 60, ये सब समझ में आया ड्रॉइंग, बस यही है, इस मोटरिस्ट का ट्रैक आपको समझ में आना चाहिए, इमेजिनरी ड्रॉइंग आपका राइट होगा ना, तो ही आप इस सम को इजीली डील कर पाओगे, वरना इस चक्कर में रह जाओगे, समझाना पूरा, देख फिर से, सबसे पहले यहां से निकला वो 500 मीटर पे, फिर टर्न हो गया 500 मीटर पे, फिर टर्न हो गया, फिर 500 मीटर ट्रैवल किया, टर्न 500 मीटर, टर्न 500 मीटर, टर्न, है ना, यस। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो पहले तो क्वेश्चन जाने दे, ये है ना एक रेगुलर हेक्सागोन बन गया है दोस्त, हाँ हाँ सही पकड़े बिल्कुल, रेगुलर हेक्सागोन बन गया ये। अब रेगुलर हेक्सागोन में क्या होता है, यहां पे सपोज सेंटर समझ ले, तो ये और ये तीनों साइड इक्वल होती है, कैसे साहब, अब भाई रेगुलर हेक्सागोन है तो ये सब 60 डिग्री होगा, 8वीं 9वीं नहीं पड़ेगा, 10वीं में कहीं पे 60 डिग्री होगा, तो फिर ये 60 डिग्री है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होगा, तो ये 500, तो ये भी 500, ये भी 500, तो भैया ई भी 500, ई भी 500, ई भी 500, सब 500 होगा, समझा कि नहीं, ई भी 500, ई भी 500, समझा, तू बोलेगा सर 60 कैसे था, अरे यार हेक्सागोन में क्या होता है देख, 60 60 60 60 60 60 छह बार, तो 360 हो गया ना, हाँ अब आई थिंक तू कही ड्रॉइंग दिमाग में बैठ चुका है ना, तो हम पहले तो कुछ नोट डाउट करते, चल इसका फेयर ड्राइंग बता दो एकदम प्रॉपर तेरे लिए करके रखा है, देख दिख रहे, हाँ हाँ सिस्टमेटिक एकदम रेड कलर से एंगल बताए, तो पहले अपना थियोरिकल ऑब्जर्वेशन लिख ले, क्या कि हमने ड्रॉ किया तो हमको पता चला इट इज अ यूनिफॉर्म रेगुलर हेक्सागोन, हाँ सो एओ विल बी इक्वल टू ओबी will be equal to OD is equals to AB and they all will be 500 meter. हो गया मस्त का ऑब्जर्वेशन, अब चल इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, ड्रॉइंग तो समझ में आया, उन्होंने जो स्टोरी बोला ना कि एक मोटरिस्ट है हर 500 मीटर पे लेफ्ट साइड टर्न ले रहा है, तो टर्न देख कितनी जगह लिया उसने, पहला टर्न यहाँ पे लिया, यहां से निकला ना इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, फोर्थ फाइव इधर, हाँ तो चल एक मिनट, यहां पे कौन सा टर्न लिया, पहला, यहां पे लिया दूजा, यहां पे लिया तीजा, यहां पे लिया फोर्थ, पांचवी बार यहां पे मुड़ा, छठी बार यहां पे मुड़ा, फिर वापस चालू रखेगा तो सातवीं बार मुड़ेगा, इधर आठवीं बार मुड़ेगा, इधर नौवीं बार मुड़ेगा, ऐसे मुड़ता जाएगा जब तक पेट्रोल खत्म नहीं होता ना वो भाई को चलना है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं कि कितने टर्न ले रहा है, बस वो तो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या स्पेसिफाइड किया है कि
थर्ड, सिक्स और एट टर्न पे डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। हाँ, थर्ड, सिक्स और एट टर्न पे डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, और फिर क्या करना है, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ इन ऑल दिस टर्न्स, इनमें ये जो थर्ड, सिक्स और एट टर्न पे। तो क्या करेंगे हम क्वेश्चन में, पहले डिस्प्लेसमेंट ढूंढेंगे, फिर पाथ लेंथ ढूंढेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। हाँ, तो चलो सबसे पहला टाइटल आज देते हैं थर्ड टर्न को। देख भाई, थर्ड को थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं ताकि तुझे दिखे थर्ड टर्न पे क्या हो रहा है। तो चलो थर्ड टर्न पे पहला लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ढूंढ लेते हैं, इजी है। थर्ड टर्न मतलब देख, यहां से निकला वो पहला, इधर दूसरी बार मुड़ेगा और इधर तीसरी बार मुड़ेगा, यहां पहुंच गया वो थर्ड टर्न के लिए, है कि नहीं, पक्का, सीरियसली? तो चल अब देख, इसका डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा ना इतना स्ट्रेट, चाहे वो इतना घूम के गया इधर से इधर से इधर से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ ना ये। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए डी, बोल दो समझ में आया। और ये मेजरमेंट कितना हो रहा है, अरे ई 500, ई 500 हजार हो गया ना, तो ए ओ प्लस ओ डी 500 प्लस 500 एग्जैक्टली 1000 मीटर। तुझे बहुत इच्छा है तो इसको किलोमीटर लिख ले, 1 किलोमीटर होगा 1000 मीटर। अब आंसर को कवर तो कर दे यार। हाँ, डिस्प्लेसमेंट आ गया साहब, लो हो गया कवर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी के अंदर है, थर्ड टर्न पे पाथ लेंथ भी सॉल्व करना है। पाथ लेंथ क्या हो रहा है, तो देख वो यहां से इधर गया 500 मीटर, फिर 500, फिर 500, मतलब 500 मीटर तीन बार ट्रैवल किया वो इतना थर्ड टर्न पे पहुंचने के लिए। तो क्या हो गया, 1500 मीटर विल बी इक्वल टू 1.5 किलोमीटर। इसको भी कवर अप कर भैया, कवर अप के बिना जिंदगी अधूरी है। दिखना तो चाहिए कहां आंसर कैसे आ रहा है। अब दोस्त कंपैरिजन पूछा है, तो चल कंपैरिजन, कंपैरिजन में कुछ नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ का रेशियो कर देंगे, अभी कंपेयर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन पाथ लेंथ, समझ रहे ना, हाँ, हैंडराइटिंग पे मत जा, जगह कम है तो मैं जगह बचाने के चक्कर में फास्ट लिख रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट है 1, पाथ लेंथ है 1.5, तो इसका तेरे आंसर आएगा 0.67, ये हो गया कंपैरिजन। यूनिट नहीं आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी किलोमीटर में, पाथ लेंथ भी किलोमीटर में, कैंसिल हो जाएगा, यूनिट नहीं आएगा इसका, यूनिट लेस है कंपैरिजन। चलो हो गया अभी थर्ड टर्न पे तेरा स्टोरी खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिक्स टर्न के पास क्या सिचुएशन है, तो सिक्स टर्न के पास क्या सिचुएशन है, चलो देखते हैं। सिक्स टर्न पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो चलो यहां से देख, पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, फिफ्थ और सिक्स, यहां पे आ गया वो, ए भाई जीरो, जहां से निकला था वहीं तो आ गया। हाँ, इनिशियल फाइनल सब जीरो, ठीक है। फिर अब इसका पाथ लेंथ लेते हैं, पाथ लेंथ मतलब 500 मीटर छह बार ट्रैवल हुआ ना यार, तो क्या सीखा उसमें, बोल 3000 मीटर आएगा आंसर, और ज्यादा इच्छा है तो 3 किलोमीटर बता दे। 500 मीटर सिक्स टाइम हुआ ना, देख यहां से निकला 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 500 मीटर सिक्स टाइम्स हुआ, क्लियर। अब कंपैरिजन भैया, कंपैरिजन कंपैरिजन, चल कंपेयर, जगह कम है अभी, हाँ तो आराम से लिख रहा हूं, तू देख, डिस्प्लेसमेंट अपॉन पाथ लेंथ 0/3, जीरो हो गया कंपैरिजन। अभी आंसर को कवर अप नहीं किए, अरे करते ना, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा पाथ लेंथ और ये रहा कंपैरिजन। बोल कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो फिर अभी थोड़ा और आगे है दासू, तो मैं बैठा हूं ना, तू घबरा क्यों रहा है। यस होम सर इज हियर, डोंट फियर। हाँ चल, अब एट टर्न की बारी, एट टर्न पे सीन क्या हो रहा है, एट टर्न पे
सिचुएशन क्या हो रहा है, देखते हैं। घबराना तो है नहीं, ड्रॉइंग खुला पड़ा है ना अपने पास, बस ये जो भी है ड्रॉइंग ही है इनका रहस्य। चल ड्रॉइंग में देख, 8 टन मतलब यहां पे पहुंचा होगा देखो वापस, है ना। तो ये बन रहा है डिस्प्लेसमेंट उस वक्त, ये वाला क्या बोलते हो दोस्त, इतना डिस्प्लेसमेंट बन रहा है ए सी। तो यहां तो तू रुक पहले लिख दे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए सी वेक्टर, करते हैं मैग्नीट्यूड। अब ये ड्राइंग गंदा नहीं हो जाए ना, उसके लिए थोड़ा रफ में जाते हैं हम। चलो आ जाओ रफ ड्राइंग फिर से, ये रहा देखो, ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा यहां से दिखा ए सी। अब इस ड्राइंग को ना थोड़ा सा बाहर निकाल के देख, ये देख ये तेरा वेक्टर ए बी दिखेगा तेरे को, दिखा वेक्टर ए बी, फिर ये दिखेगा तुझे ए ओ वेक्टर, दिखा ए बी और ए ओ के बीच एंगल क्या दिख रहा है 60 डिग्री। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहां है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये रहा ना ए सी, दिख रहा है, यस यस यस, पूरा ये पैरेललोग्राम मेथड सेट हो रहा है ऐसे देख, यूं हाँ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर तो इजी है ना, पैरेललोग्राम मेथड में क्या होता है, ये जो बीच वाला वेक्टर है ना ये इन दोनों का प्लस होता है, मतलब ए सी वैक्टर इज एक्चुअली एडिशन ऑफ ए बी एंड ओ ए ओ वैक्टर, बनता है कि नहीं। फिर इसका फॉर्मूला आता है तो सोच, तब तक मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं। चलो क्या लिखेंगे, ए सी वैक्टर इज एक्चुअली एडिशन ऑफ ए बी एंड ए ओ वैक्टर, क्लियर। अब इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला तो आता ही होगा आपको, अंडर रूट ए बी स्क्वायर ए ओ स्क्वायर टू ए बी इंटू ए ओ कॉस 60 डिग्री। ओके दोस्त, चल मामला आगे बढ़ाते हैं। 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर, जगह कम है तो आराम से करना पड़ेगा, 500 500 और कॉस 60 होता है 1/2। यस आ गया ये 2 कैंसिल। तो देख भैया ये 500 का स्क्वायर, कुछ कर मत उसको ऐसे ही रहने दे, ये पूरा एक पैटर्न दिखेगा। ये 500 का स्क्वायर यहां पर भी हो गया, तो 3 times है 500 का स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं 3 times ऑफ 500 का स्क्वायर। अब इसको रूट वूट कर दे, रूट वूट करके बाहर निकालेगा तो आंसर आएगा 866 मीटर। कवर अप कर, भाग जाएगा, बड़ी मुश्किल से आया है। हाँ ठीक है, चल दोस्त मजा आया ना डिस्प्लेसमेंट में, पूरा वेक्टर पॉलिसी लगाया पैरेललोग्राम से। हाँ अब पाथ लेंथ, पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ तो क्या है, 8 बार टर्न लिया है वो तो पता है ना, 500 मीटर इंटू 8 मतलब 4000 मीटर। इसको भी कवर अप कर भैया। ठीक है दोस्त, अब कंपैरिजन, तो चलो कंपैरिजन, कंपैरिजन में ऊपर क्या लिखना है डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या लिखना है पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट 866, पाथ लेंथ 4000, तो इसका आंसर आएगा 0.2165। हाँ बोल दोस्त मजा आया कि नहीं आया, पक्का ना, तो कमेंट में लिख डाल के, अरे सर मजा आ गया, छा गए गुरु छा गए। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया सा, चल 1, 2 and 3। चल दोस्त अब एक्सरसाइज का 11th, इजी है बहुत इजी है। अ पैसेंजर अराइविंग इन अ न्यू टाउन विशेस टू गो फ्रॉम द स्टेशन टू अ होटल लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम द स्टेशन। मतलब एक पैसेंजर है भैया, एक नए टाउन में आया, उतरा प्लेटफॉर्म पे और देखा कि भाई होटल जाना है, तो यहां उसका स्टेशन था इधर और इधर उसका होटल था, समझो। तो ये स्ट्रेट रोड कितना दूर है, 10 किलोमीटर, कितना दूर है 10 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन आगे क्या हुआ उसके साथ देख, वो जोरदार हुआ बे, अ डिसऑनेस्ट कैबमैन, मतलब एक टैक्सी वाला डिसऑनेस्ट टेक्स हिम अलोंग अ सर्किटस पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग, मतलब घुमा घुमा के ले गया ही हूं, तो कितना घुमाया 23 किलोमीटर, अरे बाप रे बेचारा, नए टाउन में यही प्रॉब्लम होता है,
लेकिन सारे कैबमैन डिसोनेस्ट नहीं होते हैं भाई। हाँ चलो देखो, 23 किलोमीटर ले गया और 28 मिनट का उसने टाइम लिया, रीचेस टू होटल इन 28 मिनट। मिनट नहीं चलेगा भाई, क्योंकि बाकी का किलोमीटर में ना तो इसको ओवर कर दे, 60 से डिवाइड कर दे। हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, रुक पेन ढूंढना पड़ता है, एवरेज स्पीड और दूसरा क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, ओके चल तो भैया अपना स्टार्ट करते हैं काम। एवरेज स्पीड, हाँ फॉर्मूला क्या है, कब से पढ़ रहा है, पाथ लेंथ अपॉन टाइम। पाथ लेंथ, कितना लंबा पाथ उसको ट्रेवल करना पड़ा, 23 किलोमीटर हो बापरे। टाइम कितना लिया, 28/60, तो 60 गया ऊपर, 28 रह गया नीचे, तो इसका आंसर आएगा तेरे 49.3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया तेरा एवरेज स्पीड। हाँ उसको कवर अप कर दे आंसर को, बिल्कुल करना है। अरे यार कहाँ रह गया स्क्रीन, ये रहा, हाँ हो गया कवर अप, नीचे सरक जाता है। हाँ एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो ये एवरेज वेलोसिटी इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो कितना था, यही ना सीधा 10 किलोमीटर, हाँ, और टाइम कितना लिया, 28/60, तो अब 60 जाएगा ऊपर, 28 रह जाएगा नीचे, तो इसको सॉल्यूशन पे आंसर आएगा 21.43 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। कवर अप कर भाई साहब, कवर अप, भाग जाएगा आंसर, बड़ी मुश्किल से आता है। हाँ हो गया चल, अब इसमें कुछ और बोला है लास्ट में। हाँ बढ़िया बोला है कि आर द टू इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल है, अरे यार कहाँ दिख रहा है इक्वल, ये 49 है 21 है, तो लिख दे प्रेम से क्या, नो दे आर नॉट इक्वल, प्लीज ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो। अच्छा अपनी ओर से डाल दे, इक्वल कब होगा, हाँ वो कैब वाला उसको इसी रास्ते से ले गया होता ना स्ट्रेट पाथ पे, तो इक्वल होता है ना, तो लिख दे फॉर स्ट्रेट मोशन ओनली विल बी इक्वल, ये अपनी तरफ से डाल रहे सेंटेंस डाल दो। ओके दोस्त मजा आएगी नहीं है, सच्ची बोल, आया ना तू तो कमेंट में लिख यार कि सर आपने इतना मेहनत किया सम पे, सम को अच्छे से डिलीवर करवाया, लिख कमेंट में और अपने दोस्तों को भी शेयर कर, सब्सक्राइब कर, थोड़ा लाइक अंगूठा वंगूठा दबा दे, पूरा वीडियो देख के जा रहा है ऐसे फ्री में, ठीक है चल बाय। હાય હું છું આકાશ ઝાલા, તમે મને જી હેલારો અફરા તફરી ગુજ્જુ વાદગરેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મો અભિનય કરતા જોયું હશે ને, તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે ને ક્યાંક બીવડાયા છે, તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની। આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરવામાં આવે છે, અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે, તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન આરાધ્ય ક્લાસીસ।